हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैवेट पॉइंट एंड प्राइस एक्शन के बारे में। ठीक है, अगर आप नहीं जानते कि पैवेट पॉइंट होता क्या है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में वीडियो मिल जाएगी, वहां पे मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। प्राइस एक्शन के लिए भी नीचे मिल जाएगी, फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा। पहले हम समझते हैं प्राइस एक्शन को। आपको जो मैंने पहली इंट्राडे के लिए स्ट्रेटेजी बताई थी, वे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। ठीक है, तो उसी बेस को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, तो मैंने सोचा कि आपको कुछ और स्ट्रेटेजी प्रोवाइड की जाए। प्राइस एक्शन सबसे बेस्ट होता है इंट्राडे के लिए। तो यहाँ पे आपको पहले सेलेक्ट करना है टाइम फ्रेम, आपको 5 मिनट रखना है। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए आप बाद में 15 मिनट कर सकते हैं, या फिर 1 मिनट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम सारी चीजें देखेंगे 1 मिनट पे भी और उस पर भी। पहले मैं फिलहाल 5 मिनट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है, उस चीज को आप यहाँ पे ध्यान से समझो कि कोई भी चीज हमारी किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, जिससे कि आप मतलब अच्छे तरीके से समझ पाए। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे 15 मिनट है, मैं इसे 5 मिनट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे कैंडल को मिलाते हुए एक ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। तो इसका मतलब क्या है, इसे ध्यान से समझो। प्राइस यहाँ पे चला, अप गया, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगी। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, अब यहाँ पे दो कॉल हो सकती है हमारी। पहली, अगर ये इसे नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो हम यहाँ से सेलिंग पोजिशन ले सकते हैं। अगर ये यहां से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाती है, ग्रीन कैंडल बनाती है, तो हम यहां से बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारी ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर रही है। यही प्राइस एक्शन है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये प्राइस एक्शन का एक हिस्सा है। ट्रेंड लाइन मतलब लाइव मार्केट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना और अपनी पोजिशन को पहचानना। उसके बाद आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी, यहां पर इसने फिर से इस पे सपोर्ट लिया, तो यानी कि ये ट्रेंड लाइन बहुत ही बेहतर काम कर रही है। अगर ये इसे ब्रेक करेगी तो हम सेलिंग पोजीशन लेगी, अगर इसके आसपास आएंगे तो हम यहां से बाइंग पोजीशन लेंगे। मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा, पहले मैं आपको इसे 15 मिनट पे दिखाता हूं। सेम ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है, ये देखो, सेम ही स्ट्रेटजी आपको यहां पे दिखाई दे रही होगी। मतलब ये ड्रॉ की थी हमने कहीं पे 5 मिनट पे, लेकिन जैसे हमने 15 मिनट सेलेक्ट करा, ये ट्रेंड लाइन वो की वही है, वैसी की वैसी है। यानी कि आप कितने भी मिनट पे सिलेक्ट करो, क्योंकि प्राइस तो नहीं बदलने वाला ना, या कैंडल तो नहीं बदलने वाली, वो सेम ही पोजीशन रहती है। तो ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करना सीखना है। अगर आप नहीं जानते कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। हम ठीक वैसे ही ऊपर की भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये पहचानने के लिए कि ये किस रेंज में चल रहा है, कहां से ये क्या मतलब कहां से ये रजिस्ट कर रहा है। नीचे तो हमें सपोर्ट का पता लग रहा है, ऊपर रजिस्ट का पता लग रहा है। अब मैं फिर से इसे 5 मिनट कर लेता हूं। तो ये देखो, यहां पे ये इसने रजिस्टेंस का बता दिया, यहां पे रजिस्ट किया, फिर यहां पे रजिस्ट किया, फिर आया, फिर यहां पे सपोर्ट लेके गया, यहां पे रजिस्ट किया। यानी कि एक बहुत ही बड़ा रजिस्टेंस है। अगर ये इसे ब्रेक कर देगा, तो इसका मतलब कंफर्म हो जाएगा कि ये ऊपर जाने वाला है। अगर ये इसे ब्रेक कर देगा, तो कंफर्म हो जाएगा ये नीचे जाने वाला है। भले ये यहां तक आए, भले ही ये आपको यहां तक दिखाई दे, पर लेकिन ये नीचे जरूर आएगा। ठीक है, अपने मतलब अगर इसे ब्रेक करता है, ये चीज आप समझ गए। प्राइस एक्शन में, प्राइस एक्शन में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करते हैं। वो कैसे, अभी मैं आपको दिखा देता हूं। पहले मैं इन्हें रिमूव कर लेता हूं, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ये हो गया, मैं फिर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी। ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, मैंने डिटेल में बताया हुआ है, आप वहां से जाके इसे डिटेल में समझ सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक ऊपर वाले भी ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे कि आप सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ पाए। तो ये तो होगी ट्रेंड लाइन, हमने अभी सीखी। अब मैं क्या कह रहा था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी पता लगता है हमें, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पता लगाते हैं प्राइस एक्शन के थ्रू। यहां पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करनी है और पहली यहां पे कर देनी है, यहां पे।
ये कहीं का काम कर रही है, मैं इसे ब्लैक सिलेक्ट कर लेता हूं। ये हमें क्या बता रही है सपोर्ट के बारे में, यहां पे ये देखो ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ये कैंडल आई, रजिस्ट किया, फिर इसने भी रजिस्ट किया, फिर इसने भी ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया इसका मतलब प्राइस ऊपर जाएगा, इससे ऊपर जाएगा, यानी कि पहले ही रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब ये सपोर्ट बन चुकी। और सपोर्ट कहां पे बनी है, देखो यहां पे इसने सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया, और ये यहां पे भी सपोर्ट लिया। ये दिखाई दे रहा है आपको, इसने दो जगह सपोर्ट लिया। अब नेक्स्ट सपोर्ट लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, रेजिस्टेंस लाइन, दो कैंडल, दो से ज्यादा कैंडल को आपको मिला देना है। ये देखो कितनी बेहतरीन इसने दी है, यहां पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ये भी कैंडल, ये भी कैंडल, ये भी कैंडल, और ये भी कैंडल, ये भी कर रही है, इसने ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब ये प्राइस ऊपर जाएगा। आपको सब कुछ लाइव दिखाई दे रहा है, इन चीजों को समझो, प्राइस एक्शन को समझो। अगर आप प्राइस एक्शन को समझ गए तो आप डेली मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट ले पाएंगे। ये स्ट्रेटजी वाकई में ही काम करती है। आपको देखो मैंने आपको दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाया, इसी ट्रेंड लाइन के बीच में स्टॉक घूम रहा है, हमें पता लग जाएगा कि यहां से हमें बाइंग पोजीशन लेनी है। यहां पे सपोर्ट ले चुका, यहां पे बाइंग पोजीशन लेनी है, या फिर हमने ऊपर की ड्रॉ कर दी तो हमें यहां पे पता लग गया कि अब सेल कर दो, इस प्रॉफिट को बुक कर लो, यहां से लेके यहां तक के प्रॉफिट को आपको बुक करना है, ठीक है। फिर से हम पोजिशन बनाएंगे, या फिर हम यहां से अगर ये इसने रेड कैंडल बना दी तो हम यहां से सेलिंग पोजिशन भी ले सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा, ये होगा। पर लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि रोज की रोज बाय सेल मत करो। आपको ये नहीं कि एक बार बाय कर लिया उसी दिन एक बार सेल कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको ये देखना है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। मार्केट अगर अपवर्ड है तो आपको बाइंग की ही पोजीशन लेनी है, उस दिन भले ही आपको सेलिंग की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, लेकिन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं लेनी, आपको बाइंग की ही पोजीशन लेनी है। अगर मार्केट डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपको सेलिंग पोजीशन ही लेनी है, बाइंग पोजीशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट किस रेंज में घूम रहा है, कैसे ड्रॉ कर रहा है। अगर हम इससे ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं, मैंने आपको डे लो हाई पे भी एक स्ट्रेटेजी बता रखी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये नीचे इसका सपोर्ट हो सकता है। अगर हमें ऊपर ड्रॉ करना है, इससे ऊपर कहां जाएगा, ये देखो यहां पे भी इसने एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया है, यहां पे भी बहुत सारी कैंडल टच कर रही है, ये चीज आप समझ गए। इसी तरीके से आपको मतलब ड्रॉ करनी है इन सारी चीजों को। अब हम नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहां पे, ये देखो यहां पे भी एक दो तीन कैंडल, चार कैंडल मतलब टच कर रही है। उससे ऊपर कहां पे मिलना है, उससे ऊपर आपको मिलेगा यहां पे, ठीक है। अगर ये इसे ब्रेक करती है तो यहां तक जाएगा, अगर इसे ब्रेक करती है तो ऊपर तक जाएगा, ये चीज आप समझ गए। अब इसमें हमें इंपॉर्टेंट क्या करना है, हमें यहां पे लगाना है पिवट पॉइंट को। पिवट पॉइंट को अगर हम लगाएंगे तो हमें और ज्यादा मतलब अच्छा पता लगेगा कि हमारा ये मार्केट कैसे काम कर रहा है, ठीक है। मैं इसे रिमूव कर देता हूं जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ पाए। अब मैं इसमें पिवट पॉइंट लगाने वाला हूं। पिवट पॉइंट से आपको डायरेक्शन बहुत अच्छी पता चलेगी। प्राइस एक्शन तो आपने लगा लिया, अब हम पिवट पॉइंट से इसे कंफर्म करेंगे। यहां पे इंडिकेटर में जाएंगे, इंडिकेटर में हम इसे पिवट पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। आपको ये पीछे भी अप्लाई करके देखनी है, मैं तो आपको यहां पे बस बता रहा हूं, ठीक है। आपको ये पीछे भी अप्लाई करके देखनी है, सेटिंग में जाना है, हम यहां पे फिबोनाची सिलेक्ट करेंगे और इसे ओके कर देंगे। यहां से हमारा कंफर्म क्या होगा, अब यहां से हमारी दो दो चीजें कंफर्म होंगी। पहला हमें ट्रेंड का पता लग रहा है, कहां पे स्टॉक सपोर्ट लेगा वो भी पता लग रहा है, कौन सी इसे ब्रेक कर रहा है, ये सारी चीजें मैंने पिवट पॉइंट की डिटेल वीडियो में बताई हुई है कि पिवट पॉइंट ये है, ये रेजिस्टेंस वन है, ये रेजिस्टेंस टू है, ये रेजिस्टेंस थ्री है, ये सपोर्ट वन है, ये सपोर्ट टू है, ये सपोर्ट थ्री है। यहां पे मैं आपको डिटेल में नहीं बताने वाला, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पिवट पॉइंट की वीडियो मिल जाएगी, वहां पे जाके आप डिटेल में इसे समझिए। रूल क्या होता है, मैंने उसमें सारा बताया कि कब आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा, रेजिस्टेंस कब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, सारा डिटेल में समझाया है। अगर ये पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ये सेकंड तक जाएगा, अगर सेकंड को ब्रेक करता है तो ये थर्ड तक जाएगा। तो पहला हमें ये कंफर्मेशन मिलेगा, दूसरा हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताएगी, ये कंफर्मेशन मिलेगा। तीसरा कंफर्मेशन क्या मिलेगा, हमने प्राइस एक्शन के थ्रू भी सपोर्ट और एक्शन ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं। अभी मैंने आपको बताया दो से ज्यादा या तीन से तीन कैंडल को हमें मिलाना है
उसकी साइड में एक लाइन खींचनी है, उससे पता लग जाएगा कि यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है या रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने R3 को ब्रेक कर दिया, R3 को ब्रेक कर दिया इसका मतलब ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे इसने इस वाले सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसने इस वाले सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया, R3 को भी ब्रेक करा, और जो हमने ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ की थी इसे भी ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब डबल कंफर्मेशन मिल गया हमें कि स्टॉक ऊपर ही जाने वाला है, तो हम यहां से बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। ठीक इसी तरह जब ये इसे नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, अगर इस लाइन को देखो, इसने यहां पे नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, तो इसने प्राइस एक्शन ने हमें सिग्नल दे दिया कि स्टॉक नीचे की तरफ जाने वाला है। लेकिन हमें दूसरा सिग्नल कब मिलेगा, दूसरा सिग्नल कब मिलेगा, जब ये पैवेट पॉइंट के किसी भी लाइन को ब्रेक करेगा। क्योंकि अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो वहां पे या तो सपोर्ट लेगा या फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये चीजें होगी। तो हमें डबल डबल कंफर्मेशन मिलेंगे। आप इसे आगे पीछे ले जाके मतलब सारी जगह क्रॉस चेक करें, क्योंकि पैसा आपका है, प्रॉफिट भी आपका होगा, लॉस भी आपका होगा। पैसे लगाने से पहले अपने इन्वेस्टर की भी सलाह लें और खुद की भी रिसर्च करें, उसी के बाद आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। मैं सजेस्ट करूंगा आप पहले पेपर ट्रेडिंग करें या फिर क्रॉस पीछे जाके इस स्ट्रेटेजी को चेक करें कि ये वाकई में काम कर रही है कि नहीं, उसके बाद ही कोई एक्शन ले। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो में उसे ऐड कर दूंगा और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।